कालका के रघुवंश मल्होत्रा पत्नी के साथ दिल्ली आए हैं। रिश्तेदार के यहाँ गुड़गांव जाना है। वित्त मंत्री से बजट में ट्रेन में बुजुर्गों के लिए रियायत बहाल करने की गुजारिश भी है और उम्मीदें भी। 50% डिस्काउंट मिलता था, उसमें राहत की बहुत गुंजाइश थी। उसमें जो पेंशनर है उनके लिए इतना खर्चा करना बड़ा मुश्किल है, और ये महंगाई के जमाने में इतनी बहुत बुरी महंगाई है, इतनी बुरी हालत है। 50% वाला मिलना चाहिए, 50% मिलना चाहिए बुजुर्गों के लिए, तो बहुत जरूरी है। तो सोचना चाहिए, हैं जी, सोचना सोचना चाहिए, वित्त मंत्री को सोचना चाहिए बजट में। मैन बहादुर कहते हैं, काम तो जिंदगी भर कर लिया, उम्र के इस पड़ाव पर तो घूमना ही बचा है। प्राइवेट नौकरी में थे तो पेंशन नहीं, लिहाजा रियायत बहाल होने से घूमने के लिए परिवार के पैसे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, कहीं जाना होगा तो आसान तो हो ही जाएगा। अब हमको आने जाना आना है कहीं घूमने के लिए, और क्या करना है, काम तो होगा नहीं। फरीदाबाद के रहने वाले राम कुमार गुप्ता की दलील तीर्थ यात्रा करने की है। टिकट पर छूट मिलेगी तो ज्यादा तीर्थ यात्रा करने में आसानी होगी। यात्रा वात्रा करनी हो, कहीं जाना हो तो थोड़ा आदमी जल्दी सोच लेता है, अभी थोड़ा सोच के हिसाब लगाता है, कहीं आना जाना हो तो चल देता है तुरंत। बिहार के शीतल प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीमारी और लाचारी भी इस उम्र में यात्रा की बड़ी वजह है। डॉक्टर को दिखाना हो या दवा की जरूरत हो, सबके लिए पैसा चाहिए, और महंगाई भला कहाँ कम है। सीनियर सिटीजन शौक से नहीं जाते हैं घूमने, अगर कहीं करना तीर्थ तीर्थ यात्रा भी करना है तो जो शरीर में थोड़ा ताकत रहता है वही समझाते हैं ना। बुजुर्ग तो लाचारी में कहीं कुछ वैसा हो गया तब अगर एम्स में दिखाना है, कहीं कुछ कुछ कारण हो गया तब जाते हैं। छूट को लेकर दलीलें बेशक अलग अलग हैं, लेकिन भाव एक ही है। टिकट रियायत से होने वाली बचत बुजुर्गों के लिए उम्र के इस पड़ाव पर एक बड़ा सहारा है। रियायत से बोझ बढ़ने की दलील बेशक हो, पर हमारी सामाजिक व्यवस्था में बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते।